इंदौर से खबर है जहां आंख फोड़वा कांड पर आरोप का दौर अब जारी है। कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह ने आरोप लगाया, पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन पर निशाना साधा है। अस्पताल को सुमित्रा महाजन का संरक्षण मिला हुआ था, ऐसा उनका कहना है। सुमित्रा महाजन के दबाव में लाइसेंस बहाल किया गया। बीजेपी नेताओं पर FIR, डॉक्टरों की संपत्ति जब्त करने की मांग उन्होंने की है। राकेश सिंह ने कमलनाथ को खत लिखा है, जिस तरह से हाल ही में एक निजी अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 11 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी, और ये वही अस्पताल था जहां बीते 9 साल पहले भी इसी तरह का कांड हुआ था और 18 लोगों की आंखों की रोशनी उस वक्त भी चली गई थी। और इसी को लेकर अब निशाना साधा गया है पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन पर, जो इंदौर से सांसद रही, 8 बार की सांसद थी। और अब कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह ने ये आरोप लगाया है, और हमारे सहयोगी आदित्य सिंह ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। आदित्य, अब क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इस पर राजनीति होना तो लाजमी है और वो शुरू हो गई है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और दरअसल गौर करने वाली बात ये भी है कि जो राजनीति होना चाहिए थी, जहां पर बीजेपी को हमलावर होना चाहिए था, बीजेपी को कमलनाथ सरकार को इस मुद्दे पर घेरना चाहिए था, इसके उलट आप देखेंगे पिछले 48 घंटों में जो विरोध प्रदर्शन हुए वो कांग्रेस ने किए, और कांग्रेस ही इस बात को लेकर 2010 का वाकया हो, 2017 का वाकया हो, इसको लेकर बीजेपी सरकार को घेरने में लगी है, जबकि सत्ता कांग्रेस की है। बीजेपी को आक्रामक होना चाहिए इस दौर में जहां पर इस तरह की स्थिति हुई। अभी भी देखिए जिस तरह से राकेश सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, राकेश सिंह के आरोप पर नजर डालें तो सुमित्रा महाजन ने 2017 में इस अस्पताल के जो शिविर था उसका उद्घाटन करा और अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाने की नियत से अस्पताल को फायदा पहुंचाया गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि इस तरह का आपको ऑपरेशन सामने आया। यही विडंबना है आदित्य, यही विडंबना है कि जहां मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए उन मुद्दों पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है, और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था किस ओर जा रही है किसी का ध्यान नहीं है, चाहे सरकार हो या फिर विपक्ष। आदित्य, बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए।